पर पता है क्या है, इंग्लिश में ना दो निकम्मे शब्द हैं जो इस रूल को मानते ही नहीं है और स्पोकन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी करते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक तो हमारा इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है आई और एक हमारा इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है यू, जो बेसिक वर्ब के रूल को इग्नोर करते हुए यू कहता है भाई मैं ना सब्जेक्ट के तौर पर सिंगुलर भी हूँ और प्लूरल भी, पर मेरे लिए जो वर्ब लगेगी ना वो सिर्फ प्लूरल होगी। मैं चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे आऊं, मैं चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे आऊं, मेरे लिए वर्ब कैसी लगेगी, हमेशा प्लूरल लगेगी। चाहे आप मेरे लिए मेन वर्ब लगाएं यानी एक्शन वर्ब, चाहे आप मेरे लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएं, दोनों में से कोई भी वर्ब लगाएं, मुझे हमेशा कौन से फॉर्म में चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। जबकि वर्ब का बेसिक रूल क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यू तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, पर फिर भी नियम क्या बना दिया कि वर्ब सिर्फ कैसी लेगा, प्लूरल यानी कि यू के लिए। इंग्लिश में कभी भी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हमेशा कहना चाहिए यू आर, यू वर, यू हैव, यू डू, यू गो, यू टीच, इस तरीके से प्लूरल फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं यू के साथ। कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म ना लगाएं, यू इज गलत है, यू वॉज गलत है, यू हैज गलत है, यू डज बिल्कुल गलत है। तो यू के साथ जब भी वर्ब लगाओ ध्यान से हमेशा प्लूरल।